सो दोस्तों, अगर आपके भी किसी YouTube वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ गया है और कॉपीराइट क्लेम के चक्कर में आप परेशान हैं, आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने YouTube वीडियोस से कॉपीराइट क्लेम हटा सकते हैं। कॉपीराइट क्लेम कब पड़ता है पहले अब ये जान लेते हैं। जब भी आप किसी भी थर्ड पार्टी का, किसी भी अन्य क्रिएटर का कंटेंट, जैसे कोई इमेज, कोई वीडियो या कोई भी म्यूजिक अपने वीडियो में यूज़ करते हैं, ध्यान रखिए, अगर आप किसी भी अन्य क्रिएटर का कंटेंट जैसे कि इमेज, म्यूजिक या कोई वीडियो क्लिप अपने वीडियो में यूज करते हैं, आपने उससे परमिशन नहीं ली है और उसने क्रिएटिव कॉमन्स में अपलोड भी नहीं किया है, फिर भी आपने उसको यूज किया, जैसे ही वो वीडियो बनकर रेडी होता है आप उसे अपने YouTube चैनल पे अपलोड करते हैं और जैसे ही पब्लिश करते हैं तो क्या होता है, आपकी वीडियो में इस्तेमाल हुआ हुआ वो कंटेंट आईडी दूसरी कंटेंट आईडी से मैच करती है, क्योंकि जिसने क्रिएट उस पर कंटेंट आईडी थी और आपकी कंटेंट आईडी, जैसे ही दोनों मैच करते हैं सिस्टम ऑटोमेटिकली यानी YouTube के सर्वर से ऑटोमेटिकली आपके वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम पड़ता है। इससे आपके चैनल में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो चैनल में कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, कॉपीराइट क्लेम से चैनल पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, वीडियो पे इफेक्ट पड़ता है और आपकी इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा। इनकम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे ही कॉपीराइट क्लेम पड़ेगा ऑटोमेटिकली सबसे पहली चीज़ जो होती है आपके वीडियो का मोनेटाइजेशन कैंसिल हो जाता है, साथ ही साथ अगर उसमें मोनेटाइजेशन है भी, साथ ही साथ अगर एड्स आपके वीडियोस में आ भी रहे हैं तो उन एड्स का रेवेन्यू आपको ना मिलकर आपने जिसका भी कंटेंट यूज किया था उसको चला जाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका वीडियो था और उसका रेवेन्यू आप ही के पास रहे तो आपको उसको रिमूव करना सीखना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पे ले चलूंगा जहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। अगर आप लैपटॉप या पीसी यूज करते हैं तो वहां पे भी आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने YouTube वीडियोस से कॉपीराइट क्लेम हटाना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई भी ऐसा वेब ब्राउज़र यूज़ करना है जो वेब ब्राउज़र डेस्कटॉप मोड सपोर्ट करता हो। ऑलमोस्ट जितने भी मोबाइल फ़ोन में वेब ब्राउज़र्स यूज़ कर रहे हैं इस समय, वो सारे के सारे सपोर्ट करते हैं। हालांकि मेरे केस में मैं यांडेक्स वेब ब्राउज़र यूज़ करता हूं, तो मैं फ़िलहाल इसी को ओपन करता हूं। सबसे पहले मैं इसको ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में जाकर टाइप करना है youtube.com। यहाँ से मैं youtube.com टाइप करूँगा और करूँगा यहाँ से गो। जैसे मैं गो पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये आपके जस्ट एप्लीकेशन की तरीके यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगला काम आपको करना क्या है, आपको इसको डेस्कटॉप मोड वर्जन पे ओपन करना है। आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे डेस्कटॉप वर्जन दिखाई दे जाएगा, आपको डेस्कटॉप वर्जन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डेस्कटॉप वर्जन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये एप्लीकेशन कुछ ऐसे दिखेगा जैसे कि आपके लैपटॉप या पीसी में दिखता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका ये एप्लीकेशन आप कह सकते हैं एक प्रकार से पेज को लोड कर रहा है और हम लोड होने देते हैं। अब हम करेंगे क्या, हम थोड़ा सा इसको जूम करेंगे, जूम करने पर हमें ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। आपको सबसे पहला काम ये करना होगा कि आपको लॉगिन करना होगा। आप मेरे केस में तो देखेंगे मैंने तो पहले से ही लॉगिन करके रखा हुआ है, तो साइड में आप देखेंगे ऊपर राइट टॉप कॉर्नर पे आपको मेरी ही इमेज दिखाई दे रही है। आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आपको लॉगिन कर लेना है। मैंने लॉगिन कर लिया है तो मेरे में यहाँ पे लोगो आ रहा है। आपने ना किया होगा तो आपको साइन इन दिखेगा, साइन इन पे क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको करना क्या है, आपको क्रिएटर स्टूडियो मोड में ओपन हिट करूंगा और हिट करने के बाद मुझे करना क्या है, मुझे इसको क्रिएटर स्टूडियो मोड पे ओपन करना है। तो मैं यहाँ से क्रिएटर स्टूडियो मोड पे ओपन करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे मेरा YouTube चैनल यहाँ पे लोड हो रहा है क्रिएटर स्टूडियो मोड में। आप कॉपीराइट क्लेम हटाने के लिए अभी आपको क्या करना होगा वो मैं आपको यहाँ पे चेक करा रहा हूँ। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर मेरा YouTube चैनल ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले वीडियोस पोर्शन पे जाना है, क्योंकि हमें चेक करना होगा कि किन वीडियोस में हमारे कॉपीराइट क्लेम लगा हुआ है। तो यहाँ से आपने देखा कि मैंने क्लिक कर दिया है, थोड़ा नेटवर्क स्लो है, तो ये पेज हमारा लोड होना स्टार्ट हो चुका है। अभी ये पेज लोड हो जाएगा, तो आपने देखा लगभग पेज लोड हो भी गया है। अगला काम हमें सर्च करना है पहले उन वीडियोस को जिनमें कॉपीराइट क्लेम लगा हुआ है। तो यहाँ से मैं फिल्टर पे जाऊँगा और फिल्टर पोर्शन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से मुझे चेक करना है कॉपीराइट क्लेम, तो मैं कॉपीराइट क्लेम वाले पे क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमारे वो वीडियोज़ यहाँ पे लोड होंगे जिन पे कॉपीराइट क्लेम पहले से पड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको पेजेस दिखाई दे रहे हैं, ये वीडियोस हमारे जो अपलोड किए गए हैं इन सभी में कॉपीराइट क्लेम पड़ा हुआ है। हालांकि ये वीडियोस काफ़ी पुराने हैं। कॉपीराइट क्लेम का मैं आपको मतलब पहले ही बता चुका हूँ कि कॉपीराइट क्लेम का मतलब ये हो गया कि इन वीडियोस का जो भी रेवेन्यू होगा वो मुझे ना मिल करके जिसका भी मैंने कंटेंट यूज़ किया है
उसको चला जाएगा। तो अगर मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा हो और तो मुझे उस कॉपीराइट क्लेम को हटाना पड़ेगा। हटाने का तरीका क्या होगा, अगर आपने पूरे के पूरे वीडियो में ही बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक यूज किया है, जैसे मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये वीडियोस आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, चूँकि कॉपीराइट यहाँ पे क्लेम लगा हुआ है, इसीलिए सारे के सारे मोनेटाइजेशन में आप देखेंगे इनएलिजिबल है। इनएलिजिबल क्यों है, चूँकि इन पर कॉपीराइट क्लेम पड़ा हुआ है। अब आपको करना क्या है, अगर आप इसमें से कॉपीराइट क्लेम हटाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे देखेंगे कॉपीराइट क्लेम, आप उस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे सी डिटेल्स आपको दिखाई देगा, आप उस पर सी डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा वीडियो था, कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ा हुआ है। अब किस चीज में क्लेम पड़ा हुआ है, तो कॉपीराइट क्लेम कितना है देखिए, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको बता रहा है 8:27 से लेकर के 10:58 पर। सिर्फ थोड़ा सा कंटेंट है जो कि आप देखेंगे यहाँ पे सबसे लास्ट में मैंने इस्तेमाल किया अपने वीडियो पे, और वही वजह है कि मुझे यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम का सामना करना पड़ रहा है। मुझे हटाना है तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन होंगे, कॉपीराइट क्लेम हटाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है एक्शंस पे। एक्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन तो ये होगा, चूंकि मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया है तो मैं चाहूँ तो सिर्फ उस सॉन्ग को म्यूट कर दूँ, लेकिन ध्यान रखें कई बार क्या होगा, जब आप उस सॉन्ग को म्यूट करेंगे तो आपकी लैंग्वेज यानी आपका ऑडियो भी म्यूट हो जाएगा, तो ये दिक्कत हो सकती है यहाँ पर अगर आप ये यूज़ करते हैं। अगला है ट्रिम करके आप उतने पोर्शन को अलग कर दें या फिर आप उस सॉन्ग को रिप्लेस करें वहाँ से। ये तीनों में से आपको एक ऑप्शन तो चूज़ करना होगा, आप एक ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे तभी जाकर आपका कॉपीराइट क्लेम वहाँ से हटेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिलहाल म्यूट सॉन्ग कर देता हूँ यहाँ से क्लिक। अब जैसे आप म्यूट सॉन्ग क्लिक करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपने क्लिक किया और तुरंत ही वो हट जाएगा आपका। अब यहाँ से आपको ड्यूरेशन दिखाई दे रहा है नीचे, ऑटोमेटिक वो तो सेट हो गया है। अब अगला काम आपको क्या करना है, म्यूट कर देना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे आप यहाँ पे देखेंगे म्यूट ऑल साउंड्स विन साउंड्स प्लेस, यहाँ पे आप देख रहा है, आप ये कर दीजिए या फिर आप सिर्फ सॉन्ग को म्यूट करना चाहते हैं, दोनों में से जो भी आप करना चाहें आप इसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पे फिर से बता रहा है आपको म्यूट करना है, तो आप म्यूट कर दीजिए। और म्यूट करने के बाद अब क्या होगा, यहाँ से आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, प्रोसेस होती है, ये आपकी नेटवर्क स्पीड पर डिपेंड करता है। ऊपर आपको यहाँ पे देखेंगे अभी यहाँ पे प्रोसेसिंग दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। जैसे यहाँ पे प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगी आपके उस वीडियो से कॉपीराइट क्लेम हट जाए। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाकई में वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और करिए बेल आइकन पे हिट, ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो हो हमारे एंड से अपलोड आपको मिले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले।